काला हिरन जिसे भारतीय मृग भी कहा जाता है, एक मध्यम आकार का मृग है जो भारत और नेपाल का मूल निवासी है। घास के मैदानों और बारहमासी जल स्रोतों वाले हल्के व क्षेत्रों में निवास करता है। यह कंधे पर 74 से 84 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। नर का वजन 20 से 57 किलोग्राम होता है जिसका औसत 38 किलोग्राम होता है। मादाएं थोड़ा हल्की होती हैं जिनका वजन औसतन 20 से 33 किलोग्राम होता है। लंबे कार्क स्क्रू सींग होते हैं और मादाओं में कभी कभी सींग विकसित होते हैं। ठोड़ी और आँखों के आसपास का रंग सफ़ेद, फर नर में अधिक, शरीर का अधिकांश भाग गहरे भूरे से काले रंग का होता है जिसमें आँखों के चारों ओर सफ़ेद घेरे, सफ़ेद कान और पूंछ, पेट, निचला जबड़ा और अंदरूनी पैर भी सफ़ेद होते हैं। मादा और किशोर पीले व भूरे रंग के होते हैं और उनमें वही सफ़ेद क्षेत्र दिखाई देते हैं। केवल नर की तुलना में अधिक वेज रंग का। मादाओं में कंधों के आसपास से शुरू होकर दुम पर समाप्त हो जाने वाली एक अधिक स्पष्ट क्षैतिज सफ़ेद पार्श्व पट्टी भी होती है। ब्लैक बक एंटीलोप जीनस का एकमात्र जीवित सदस्य है और इसका वर्णन कार्ल लिनियस ने 1758 में किया था जो दो उपप्रजातियों को पहचाना जाता है। यह मृग भारत का मूल निवासी है और मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, जबकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुका है। पहले व्यापक रूप से फैले छोटे और बिखरे हुए झुंड आज बड़े पैमाने पर संरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान अत्यधिक शिकार, वनों की कटाई और आवास विनाश के कारण काले हिरणों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। काले हिरण को अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से शिकार के खेतों में लाया जाता है। अर्जेंटीना में आबादी अच्छी तरह से जीवित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है। हिंदू धर्म में काले हिरण का महत्व है। भारतीय और नेपाली ग्रामीण मृग को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वे लोग इनकी सुरक्षा और रक्षा भी करते हैं, खासकर विश्नोई समाज जो इन हिरणों को काफ़ी महत्व देता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।